पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म जो आ रही है उसके लिए. क्या कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में और आप किस तरीके का किरदार फिल्म के अंदर प्ले कर रहे हैं? आई थिंक फिल्म के बारे में लोम सर बताएंगे, मैं किरदार का बता देता हूँ. इट्स अ कैरेक्टर ऑफ मिकी जो एक NRI है और उसकी कहानी है भारत को जानने की, समझने की, उसकी जर्नी है. तो उसकी जर्नी के ज़रिए हमने लोगों तक बताने की कोशिश की है कि ये है इंडिया, क्या है इंडिया. तो हर किसी का अपना अपना टेक है, ये है इंडिया और ये है इंडिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिक्सचर ऑफ ये है इंडिया एंड ये है इंडिया. सो इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर मिकी. सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन दिस फिल्म. बाकी फिल्म के बारे में सर आप बता दीजिए. हर भारतीय की फिल्म है, आपकी अपनी फिल्म है. देखिए कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है, ब्रांडेड कपड़े आप पहनते हो, ब्रांडेड स्टार्स की आप फिल्में देखते हो, बट कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हो कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा ब्रांड है. उसमें ब्रांडिंग या स्टारडम नहीं चलता. आप जब पैदा होते हो या आज आप अपने माँ बाप को देखते हो तो आप ये नहीं बोलते ना कि यार मेरा बाप शाहरुख खान नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ. उसी तरह से फिल्म है, आपकी फिल्म है, तो आप इसे ज़रूर देखें. इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स द ग्लोरी एंड प्राइड ऑफ आवर कंट्री. तो अगर आपको अपने देश से प्यार है, भारत से, तो ये फिल्म आपकी फिल्म है. इतना ही कहूँगा कि आप 24 मई को सिनेमाघरों में से जाके ज़रूर देखें. सर डायलॉग को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, अभी भी चल रही है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में, कैसे डील करते हैं इस चीज़? देखिए हमने हमारा टेक रखा है. कॉन्ट्रोवर्सी सिर्फ इस बात की है कि कुछ सच्चाई हमने कही है जो लोगों को कड़वी लगी है. ये देश कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है, मीडिया कैसे ऑपरेट होती है, करप्शन का लेवल क्या है इस कंट्री में. तो हमने बड़ी सिंपल सी बात कही है कि अगर आपकी कंट्री में डबल स्टैंडर्ड है, देखिए अगर कोई भी कंट्री चलती है तो उसके रूल और रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए. बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं वो 4-6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 2 दिन में कोर्ट कचहरी के मामलों से फ्री हो जाते हैं. वहीं पे एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते 20-20 साल तक उसे न्याय नहीं मिलता. मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, 2-2, 5-5 साल लग जाते हैं केसेस को क्लोज होने में, विक्टिम्स को पकड़ने में. तो आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर शुड बी सेम, कि एक पैसे वाले को जजमेंट भी उतनी जल्दी मिलना चाहिए और एक गरीब आदमी को. इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए. और अगर इसको लेके मैंने ये कहा है कि आपकी कंट्री में डबल स्टैंडर्ड है, तो कुछ गलत नहीं कहा मैं, अभी भी मेरे स्टेटमेंट के फेवर में हूँ कि आपको एक और पाकिस्तान इसलिए कि एक बार बन चुका है, इसीलिए मैंने पाकिस्तान बोला. अगर कुछ और बनता मैं उसका नाम लेता. तो अगर आपकी कंट्री में डबल स्टैंडर्ड है तो आप, आई रिक्वेस्ट यू कि सारे बेबस और लाचार लोगों को वहाँ पे भेज दीजिए, तो कम से कम उनको फील गुड तो होगा ना कि यार हम सब एक जैसे, एक लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं. बस यही कहने के मायने थे. बट उसको अलग तरीके से मीडिया ने रिप्रेजेंट किया, अलग तरीके से पाकिस्तान से इंटरप्रेट हुआ वो डायलॉग, और होते होते उसने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया. जबकि ये फिल्म इतने अच्छे अवार्ड्स वगैरह लेके आ रही है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसको इतनी सराहना मिली है, फेसबुक गूगल हेडक्वार्टर्स पे बुलाया गया. तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि अगर ये वाकई में इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल होती तो क्या इंटरनेशनल ऑडियंस इसको अक्लेम करती? आप इंडियंस के कंपैरेटिवली वेस्टर्न जो लोग होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा सोच समझ के परख के फिर फैसला लेते हैं. तो अगर उनकी स्टैंपिंग और अप्रिसिएशन और अवार्ड हम लेके आए हैं, तो आप फिल्म देखिए, उसके बाद में अगर कुछ गलत है तो आपकी जूती मेरा सर, 24 के बाद में फैसला करेंगे. सेंसर का क्या रिस्पांस है फिल्म को देखने के बाद? इट्स वंडरफुल, दे सिंपली लव द फिल्म. कुछ एक कट्स नहीं कहूँगा, कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स हुए थे डायलॉग्स को लेके, जिन्हें जस्टिफाई किया गया कि क्यों ये डायलॉग फिल्म में बोले गए हैं. बाकी कुछ एक वर्ड्स थे जो उन्होंने म्यूट किए हैं मूवी के अंदर, तो वो हमने उनको करके दिए. अदरवाइज इट्स अनकट फिल्म, जैसी बनाई थी ऊपर वाले की कृपा थी, शायद बातों में उनको सच नजर आया तो वैसी की वैसी देश के सामने आ रही है फिल्म. सर आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके, एक साथ काम करके, और क्या कुछ? बहुत अच्छा, लोम सर के साथ काम करके बहुत. आप ये पूछिए कि दोबारा काम करना चाहेंगे? दोबारा हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे 4 प्रोजेक्ट्स अभी तक आ चुके हैं और विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम अभी तक 26 से ज़्यादा अवार्ड्स ले चुके हैं. हमारी 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं, चिकन बिरयानी Part 1, Part 2, अभी नेक्स्ट हमारी वॉर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉर, और फीचर फिल्म भी हमारी नेक्स्ट मंथ अगस्त में स्टार्ट हो रही है जी. सो अगर हम उसके बाद इनका, तो हर एक प्रोजेक्ट मतलब हम दोनों का साथ में ही है. सो दैट मीन्स दैट शोज़ अ केमिस्ट्री, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन जो चीज़ें को लेकर होती है, सो बड़ी एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है काफ़ी मैच्योर है, और जिसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है, और अच्छा निकलता है तो इसीलिए वी गॉट द अवार्ड्स.
सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद लोम सर, और बाकी ये है इंडिया में भी बहुत मज़ा आया काम। आप हमारा एक मैसेज भिजवाइएगा फिल्म फेयर अवार्ड्स या स्टारडस्ट जितने भी अवार्ड होते हैं उनको, कि एक नया अवार्ड इन्वेंट करे वो, डाई हार्ड फैन अवार्ड। एक दे गैवी सर को, एक दे मुझे, क्योंकि हम दोनों डाई हार्ड फैन हैं एक दूसरे के। तो और कोई भाता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता। तो आई थिंक एज ए मेकर, एक मेकर को फ्रीडम चाहिए होता है। देखिए जनरली क्या होता है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं सेट के ऊपर। स्टारडम के आगे कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर की क्रिएटिविटी फीकी पड़ जाती है, स्टारडम के आगे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। गैवी सर के साथ में ऐसा नहीं है, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वर्स सिचुएशंस के अंदर इन्होंने मेरा साथ दिया है, अच्छी सिचुएशन में साथ दिया है। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई वी आर वर्किंग अगेन एंड अगेन। मतलब हालात समझें, कभी उन्होंने जब जो उन्होंने बोला कि कंप्रोमाइज़ किया है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। जब आपको पता है कि आपको वो फैसिलिटी या वो चीज़ें नहीं मिल रही, उसके रीजंस क्या है, वैसे ही अपना स्टारडम या वो चीज़ें शो करते रहो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये मानता हूँ। जब आपको पता है कि इस जगह पे वैनिटी नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। तो उसमें मैं खाली ये बोल दूँ कि भैया मुझे शूट नहीं करना, क्योंकि हमारा जब ये काम होता है ये सब चीज़ें। सॉरी, देखिए सर, यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड है। एक स्टार को स्टार कौन बनाता है? ऑडियंस। ये भी डबल स्टैंडर्ड है, जबकि एक स्टार को स्टार बनाना चाहिए एक डायरेक्टर को, क्योंकि एक पूरी मेहनत लगती है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना कुछ हम करते हुए आते हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर एक किसी एक्टर को स्टार बनाना हो तो वो डायरेक्टर से लेना चाहिए जिसके साथ उसने काम किया है, क्योंकि ऑडियंस तो दो घंटे में फैसला करके आती है। हम झेलते हैं दो साल तक फ्लाइट की बिजनेस क्लास टिकट से लेके स्पॉट बॉयज, हमारे पर्सनल मेकअप आएंगे, गाड़ी आएगी, हम सैंडविच ये खाएंगे, शूट पे हम थोड़ा लेट आएंगे, हमारा सर दर्द हो रहा है। सब दिया है मुझे। नहीं, मैंने दिया है आपको, बट मैं बता रहा हूँ। तो कई फिल्में ना यहीं तक सिमट के रह जाती है, वो फिल्म नहीं बन पाती। इसीलिए कॉमर्शियल सिनेमा अलग होता है। देखिए, हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, कंटेंट सिनेमा बनाते हैं, और कंटेंट सिनेमा के अंदर अगर आपने सच्चाई और अपने पैशन को नहीं झोंका तो आप वहाँ आके नहीं खड़े हो सकते जहाँ आज हम खड़े हैं। तो ये बहुत सीरियस और डेडिकेटेड प्रोफेशन है, और इसमें सबका सपोर्ट लगता है। एक एक्टर के साथ में एक डायरेक्टर की कॉम्बिनेशन, ट्यूनिंग, सब कुछ ब्लाइंड अप होके यहाँ तक आती हो। तो आई थिंक जहाँ जिए इंडिया खड़ी है उसके पीछे एक स्पॉट बॉय से लेके, एक लाइट वाले से लेके, एक एक्टर से लेके, हर उस इंसान का सपोर्ट है। इसीलिए इतना पॉसिबल हो पाया, और हम खुश हैं आज जहाँ भी हैं। इतने बड़े कॉरपोरेट्स के बीच में अगर हम नॉक कर रहे हैं, आईएमडीबी पे पिछले 11 दिन से हम लोग नंबर वन पे ट्रेंड कर रहे हैं रियल टाइम पॉपुलैरिटी के अंदर। तो आई थिंक ये प्रूव करता है कि बड़ा पैसा, बड़ी स्टार होना ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा कंटेंट होता है तो भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। यही मैसेज देगी कि हम आईएमडीबी पे नंबर वन चल रहे हैं, तो अब स्टार वैल्यू की तो बात ही नहीं रही। तो इसको ज़्यादा आप सबसे पहले कट करके शुरू में लगाइएगा। तो आप प्लीज़ ये जाएं देखिए, हिंदुस्तान से बड़ा स्टार कोई नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, ये सब इंडिया के नीचे आते हैं। और हमारी फिल्म का टाइटल है ये है इंडिया। तो आई थिंक इंडिया से बड़ा कोई स्टार नहीं है, और ये है इंडिया से बड़ी कोई फिल्म नहीं है। तो आप जाएं और देखें, इसे हमने बनाई है इसलिए मत देखें, आप भारत से प्यार करते हैं इसलिए देखें।